हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नो मोर इट। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह अपने फ़ोन में बिना जायरोस्कोप के भी आप वर्चुअल रियलिटी वीडियोस को कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने कहा चलो इसी साथ एक वीडियो भी बना दी जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना फ़ोन खोलता हूँ। मेरा सैमसंग का फ़ोन है, इसमें मुझे पता है कि इसमें कंपास भी है और एक्सेलेरोमीटर भी है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए, कंपास और एक्सेलेरोमीटर होने चाहिए। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके VR प्लेयर नाम की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। मैं आपको खोलकर दिखा देता हूँ, वैसे मैंने डाउनलोड कर रखी पहले से ही। मैं लिख रहा हूँ VR प्लेयर, जो लिखा आ चुका है। सबसे टॉप वाली एप्लीकेशन आप देखिएगा, ये VR प्लेयर फ्री, ये मैंने इंस्टॉल कर रखी है पहले से ही दिखाने के लिए आप सब लोगों को। कर लेता, मैं इसे ओपन कर लिया है। सबसे आप जाइए सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आप चेक करेंगे तो नहीं चाहिए एडवांस ऑप्शन पे। एक बार आप जाइए ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन प्रोवाइडर में जाएंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट से पहले, लेकिन आपको नीचे जाना है। कैलिब्रेट जायरोस्कोप तो आपके अंदर है ही नहीं, ग्रेविटी और कंपास से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलेरोमीटर और एक बढ़िया ऑप्शन है। तो एक्सेलेरोमीटर कंपास से क्लिक कर दीजिए और सेलेक्ट हो जाएगा वो। फिर थोड़ी देर में आपका आ जाएगा आपका रिकॉर्डर, तो बंद हो गया। तो हमने इसे ओपन कर लिया। अब ओपन कर लेते हैं। तो ये देखेंगे आप, ये कोने में नेविगेशन टाइप का बटन लगा होगा आपके राइट साइड के एकदम कॉर्नर पर डाउनवर्ड, ये कैलिब्रेशन का है। अब आपने फोन को घुमाएंगे तो ये घूमेगा, ऊपर करेंगे तो ऊपर करेगा, नीचे करेंगे तो नीचे करेगा। इससे आप VR वीडियोस प्ले कर सकते हैं बहुत ही आसानी से बिना जायरोस्कोप के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।